890, तो इसको भी लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 800 और 90, तो इस तरह से। और चाहिए यहाँ पे एंड देते हैं, तो ये इस तरह से लिखना है, करेक्ट। यहाँ पे है 401, तो आप ये नंबर लिखना है, नंबर के आगे इस तरह से डैश देने और उसके आगे इनको वर्ड में लिखना है। तो ये भी हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी देखा था, यहाँ पे फिर से आपको रिवीजन के लिए दिया है। यहाँ पे देखो 102, तो 102 मतलब 100 के जगह पे 1 लिखेंगे और टेंस प्लेस पे कुछ नहीं रहेगा और ये हो गया 102। 320, तो यहाँ पे भी है 300 और 20, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 567, तो 5, 6 और 7, यहाँ पे 445, तो यहाँ पे 445, ओके। तो ये आप सबको आता है, पता है, लास्ट ईयर आपने ऑलरेडी सीखा है और ये सब आप जानते हो। अब बच्चे तो होशियार हो, जो बच्चे इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो तो जरूर होशियार है ना बच्चे। 756, तो यहाँ 750 का 5 और 6 का 6, ओके। देखते हैं आगे, क्योंकि ये रिवीजन है इसलिए हम फास्ट जा रहे हैं। राइट द नेक्स्ट थ्री नंबर्स, मतलब 399 के बाद आने वाले दूसरे थ्री नंबर्स। तो जैसे 399 के बाद क्या आता है, 400, उसके बाद यहाँ पे आएगा 401, फिर यहाँ पे आएगा 402, वैसे ही यहाँ पे 200, तो 201, 200, 203, तो ये तो आसान है और इजीली हमें पता है। तो ये बाकी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 600 दिया है, तो 600 से पहले, तो अगर यहाँ तक नहीं पता है तो हम इस साइड से ही शुरू करेंगे। 600 से पहले क्या आता है, 599, फिर उससे पहले क्या आएगा, 598, फिर उसके पहले क्या आएगा, 597, तो इस तरह से आप बिफोर नंबर भी लिख सकते हैं या प्रीवियस नंबर, उसको क्या कहेंगे, प्रीवियस नंबर। और ये जो लिखे यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर्स लिखे, ओके, तो इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 69 है, तो यहाँ पे जो आएगा वो पहले प्रीवियस नंबर क्या रहेगा, 68, उससे पहले कौन सा आएगा, 367, और यहाँ पे आएगा 366, करेक्ट, ओके। तो यहाँ पे रिवीजन हो गई, अभी हम थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो अभी हम क्या सीखेंगे, 4-digit नंबर। तो 4-digit नंबर मतलब कौन सा आएगा, जैसे पहले हमने देखा था वंस प्लेस पे 1 रहता है, फिर टेंस, उसके बाद 100 नंबर्स और 4-digit वाला रहता है 1000। तो यहाँ पे हमें वही बताए 1000, TH4 क्या रहेगा, 1000, तो यहाँ पे 1000 मतलब 4-digit का ये पहला नंबर है, ओके। तो यहाँ पे जैसे दिया है 1, 2, 3, 4, इसका मतलब ये 4000 रहेंगे। यहाँ पे 1, 2, तो 2 ही 1000 है, तो यहाँ पे 1000 के यहाँ पे 2 दे दिया। फिर टेंस के यहाँ पे 1 है, तो टेंस के 100 के यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसलिए वहाँ पे 0 आ गया, तो टेंस पे हमने दे दिया है 1, और यूनिट्स के यहाँ पे 1 और 2 दिया है, तो ये 2। इसको रीड कैसे करेंगे हम, 2012, क्योंकि 100 है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने के लिए 100 दिया, देखो फिर से ये 2000 है और 100 के जगह पे 2 दिया है, तो हमने 2000 के यहाँ पे 2 रख दिया, 100 के यहाँ पे भी 2 रख दिया, और यहाँ पे टेंस कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट यूनिट आए हैं, तो यूनिट के यहाँ पे 3, इसलिए टेंस के प्लेस पे 0, क्योंकि यहाँ पे टेंस है ही नहीं, राइट। तो इस तरह से जो नहीं रहेगा वहाँ पे 0 देना है, जो है वहाँ पे उस नंबर को देना है। जैसे यहाँ पे देखो दो ही नंबर है, 1000 और दूसरा है टेंस, तो सिर्फ 1000 के यहाँ पे 1 और टेंस के यहाँ पे 1, बाकी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे 0, क्लियर। तो इसको रीड करेंगे 1010, ये 1001, तो सिर्फ 1000 के यहाँ पे 1 और यूनिट्स के यहाँ पे 1, बाकी के यहाँ पे 0, तो इसको रीड करेंगे 1001, ओके। तो सीख रहे हैं ना हम, 2300 और ये 1 है और 1, 2, 3, 4, तो ये कितना बन जाते हैं, 14, तो 2314, तो यहाँ पे लिखेंगे 2314, क्लियर। चलो देखते हैं इसके ऊपर के क्वेश्चंस। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे रीड करो क्या लिखा है, लुक एट द सिंबल्स, राइट द नंबर ए एंड रीड इट, तो इसको देखना है। यहाँ पे कितना है, 1000, ये देखो टी एच मीन्स 1000, तो 1000 के यहाँ पे हम लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 है, करेक्ट।
हंड्रेड, ये हंड्रेड है, हंड्रेड के यहाँ पे वन, फिर टेन है, टेन के यहाँ पे वन, और फिर यूनिट है, यूनिट के यहाँ पे टू। तो इसको रीड कैसे करेंगे, टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ये ट्वेल्व, टू थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेल्व, क्लियर। यहाँ पे देखो ये है टू, तो यहाँ पे टू, हंड्रेड के यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ज़ीरो, टेंस के यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे लिखे थ्री, और यूनिट के यहाँ पे फोर, तो 2034, इसको कैसे लिखेंगे, 2034, तो इस तरह से लिखेंगे हम। वर्ड्स में भी लिखना है और नंबर्स में भी लिखना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे बोला है राइट इन द नंबर्स एंड रीड इट, तो उसको रीड करना है, एक्चुअली लिखने के लिए नहीं बोला है, लेकिन रीड करना मतलब आपको वो भी आना चाहिए, क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखो थाउजेंड के यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, तो चलो थाउजेंड के यहाँ पे फाइव देते हैं, हंड्रेड के यहाँ पे कितने हैं थ्री, टेंस के यहाँ पे कुछ भी नहीं, यूनिट्स के यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इसको रीड कैसे करेंगे, 5300, क्लियर। यहाँ पे देखो थाउजेंड है, थाउजेंड के वन टू थ्री फोर फाइव, तो थाउजेंड के यहाँ पे फाइव, बाकी तीनों डिजिट्स क्या है, ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, तो ये क्या बन जाएगा, 5000, राइट, सही। यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव, तो 5000 फिर से आ गया, हंड्रेड के यहाँ पे वन टू थ्री है, टेंस के यहाँ पे टू है, और यूनिट के यहाँ पे ज़ीरो, क्लियर। तो ये इसको रीड करेंगे 5320, ओके। अभी यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से थाउजेंड के यहाँ पे फाइव, हंड्रेड के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ज़ीरो, यहाँ टेंस के यहाँ पे भी ज़ीरो, और यूनिट के यहाँ पे थ्री, तो इसको कैसे रीड करेंगे, 5003, तो ना ही हंड्रेड है ना ही टेंस है, क्लियर, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट वन, नंबर इन वर्ड्स, नंबर वर्ड्स में किस तरह से रहते हैं और उनको किस तरह से हमें लिखना है, ये देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने 4028, तो ये हमने ऑलरेडी देखा है 4000, 100 पे यहाँ पे कुछ भी नहीं, और ये 28। सिमिलर यहाँ पे दिया है 5109, तो 5309, तो यहाँ पे टेंस के यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्लियर। तो इसी तरह से हमें भी यहाँ पे नंबर लिखने हैं, यहाँ पे देखो 4005, तो 4000 के यहाँ पे 4000, 100 के यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं, टेंस के यहाँ पे कुछ है, कुछ भी नहीं, और यूनिट के यहाँ पे 5। सिमिलर यहाँ पे 5017, तो 5000 के यहाँ पे 5, और 100 के यहाँ पे कुछ भी नहीं, और टेंस के यहाँ पे 1, और ये 7, क्योंकि 17 दिया है, करेक्ट। 7000, अभी यहाँ पे 7300, तो 100 के यहाँ पे 3 एंड 13, तो यहाँ पे सभी के सभी डिजिट्स है, करेक्ट। तो सभी लिखना है 7313। 8000, तो यहाँ पे सिर्फ 1000 के यहाँ पे बाकी कोई भी नहीं, तो सिर्फ 00, 8000। यहाँ पे 9999, तो ये है 9999, तो ये फोर डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर। सबसे पहला नंबर हमने कौन सा देखा था, जो 1000 है, ये सबसे फर्स्ट नंबर है, या लोअर नंबर बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर फोर डिजिट का 1000, और बिगेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, 9999, क्योंकि इसमें जैसे ही वन ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा फाइव डिजिट नंबर, करेक्ट, तो इसलिए वो बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे रीड द नंबर्स, तो यहाँ पे रीड करने हैं 1001, 1010, 1100, 2002, 2020, 2200, 4004, 4040, 4400, 5051, 5105, 5150 एंड 5501, इस तरह से आपको ये रीड करके रीड करना भी आना चाहिए। 3067, 3607, 3670, नंबर्स देखो, मतलब ज़ीरो कहाँ कहाँ पे सिर्फ चेंज हो रहा है, नंबर्स वही है, लेकिन थोड़े से आगे पीछे होने के बावजूद वो नंबर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं, नंबर्स आगे पीछे होने के कारण उनके वैल्यूज चेंज होते हैं। यहाँ पे देखो 3076, यहाँ पे 7038, 7308, 7083 एंड 7830, 9000, 9009, 9090, 9900, क्लियर। अभी यहाँ पे फिर से रीड गिवन नंबर एंड राइट देम, इसको राइट करने के लिए भी बोला है, तो इनकी स्पेलिंग भी लिखनी है। 1235, 2341, 3507,
4115, 5045, 6787, 7890। आपको इजीली आना चाहिए और मैं जितने स्पीड में बोल रहा हूँ वैसा ही आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे जैसे रीड करो, कोई भी नंबर रहने दो, नया नंबर रहने दो, कुछ भी, वो इजीली आना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी, तो हम बोलेंगे कि हमें मैथ्स आ रहा है। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे बार बार करोगे तो आपको ये आएगा 8888, 9007। तो इस तरह से रीड करते आना चाहिए। यहाँ पे देखो, जैसे उन्होंने ये इंटरचेंज किया है ना, यहाँ पे ये जैसे उन्होंने सब बताए कि ये नंबर वही है, लेकिन आगे पीछे करके नंबर्स की वैल्यू बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें उन्होंने बोला है कि ईच डिजिट वन टाइम यूज करना है और उसको 5-4 डिजिट्स नंबर बनाने, अलग अलग 5 नंबर्स बनाने। चलो हम यहाँ पे आपके लिए बना के देते हैं एक ये वाला, जैसे यहाँ पे है 2673, यहाँ से शुरू किया 2673। दूसरा नंबर क्या रहेगा, पहला 2 सेम रहेगा, 6 भी सेम रहेगा, लास्ट डिजिट चेंज करेंगे, 73 था, अभी 37 करेंगे। ठीक है, अभी दूसरा नंबर, तीसरा नंबर चेंज करेंगे, मतलब 2 वैसा ही रहेगा, 7 के जगह पे, 6 के जगह पे हम 7 डालेंगे, 736। फिर से लास्ट डिजिट ही चेंज करेंगे, 2763। इस तरह से अलग चाहे जितने 10-12 नंबर भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे दूसरा है, फर्स्ट डिजिट चेंज करेंगे अभी हम, तो 2 रखा था वहाँ पे, अभी हम 6 लिखेंगे, तो 6237। तो ये 5 हो गए। अगर ज़्यादा बोले हैं तो हम बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे ये लास्ट डिजिट है तो उनको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 6273, तो ये चेंज हो गया। तो इस तरह से हम चाहे जितने नंबर बना सकते हैं 4 डिजिट से वही लेके। ओके, तो आप ये बना सकते हो ऐसा 5098, फिर 5089, फिर 5908, फिर 5890। तो इस तरह से अलग अलग बना सकते हैं, है ना। ठीक है, ऑन द नंबर स्लेट, अभी ये नंबर के आपके पास एक स्लेट है, राइट द डिफरेंट 4 डिजिट नंबर बाय चेंजिंग 1 एट टाइम डिजिट डिफरेंस प्लेस। मतलब एक ही नंबर को चेंज करना है, जैसे ये वाला है तो इसको ही चेंज करना है सिर्फ। तो जो ये इसको चेंज करके क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर दूसरा लिखेंगे, राइट द डिफरेंट 4 डिजिट्स नंबर बाय चेंजिंग एट वन टाइम। तो इसको चेंज करना है, तो ये 2 यहाँ पे करेंगे और 5 यहाँ पे करेंगे, तो क्या बन जाएगा, 3052। तो ये चेंज हो गया। सपोज ये है तो यहाँ पे 2 इस साइड में जाएगा, 6 इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, 1462। तो इस तरह से हम नंबर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उनके प्लेस चेंज करके। अगर ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे हो गया तो क्या हो जाएगा, 4162। क्लियर। तो इस तरह से नंबर्स को, डिजिट्स को चेंज करके नंबर्स हम चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना स्लेट के ऊपर। यहाँ पे 5 डिजिट्स नंबर इंट्रोड्यूस किया है, तो अभी 4 डिजिट तो हो गए, जैसे 5 डिजिट्स, तो हमने बोला था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4 डिजिट का, 9999। तो उसमें जैसे ही 1 नंबर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 10,000। और ये 10,000 मतलब कितने डिजिट का हो गया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 डिजिट नंबर हो गया, तो 5 डिजिट का ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, तो 5 डिजिट्स का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 10,000। ओके, तो ये सारे यहाँ पे बता दिया है किस तरह से वो टेंस में बन जाता है और ये 10,000 हो जाता है। क्लियर। तो चलो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, सच में लेसन बहुत बड़ा है, वीडियो अभी भी लगभग 15 मिनट की हो गई है, तो जल्दी देखते हैं, ये लास्ट पेज देखते हैं और हम दूसरा पार्ट दूसरे इसमें करेंगे। ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग 5 डिजिट्स नंबर्स। तो अभी हमें रीड भी करना है और उसको राइट भी करना है। तो यहाँ पे 1 10,000 में है और तो ये 3 10,000 में, तो इन दोनों को मिला के बन जाते हैं 13,000, फिर 578, तो इन दोनों को मिला के ये एक नंबर बन जाता है। तो इस तरह से 13,578 इसको रीड करेंगे हम। यहाँ पे दिया देखो 13,578। ओके,
उसी प्रकार यहाँ पे रीड करना है, यहाँ पे दिया है 20,000, तो ये क्या रहेगा 80,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 68,000, तो यहाँ पे लिखना है 68,000, ठीक है। तो आगे जा रहा है इसलिए मैं थाउजेंड के अभी नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये 54,000, 79,000, 90,000, 99,000, ओके। सिमिलर यहाँ पे आगे भी उन्होंने बताया है, ये देखो 1, 2, 3, 4, तो ये 40,000 हो गया यहाँ पे, और ये 2, तो ये 42,000, तो 42,100 ये, और ये 20 का 2 और ये यूनिट का 1, तो 21, 42,121। यहाँ पे देखो 50,001, तो सिर्फ यहाँ पे यहाँ इन तीनों में कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ना ही 100 है, ना ही 1,000 है, ना ही 10s है, करेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट 50,001। तो उसी प्रकार हमें आगे भी दिया है, यहाँ पे हमें लिखना है 60,000, यहाँ पे 1,000 में कुछ नहीं, 100 में कुछ नहीं, और ये 20, और ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 60,026, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,026, ठीक है, आएगा आपको। 26 लिखना तो आता है, 60 लिखना भी आता है, तो 60,026, यहाँ पे 31,000, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ 31 होते यहाँ पे और 1,000 लगेगा, ओके। आसान है नंबर इन वर्ड्स, तो अभी यहाँ पे नंबर इन वर्ड्स, तो ये 5 डिजिट वाला नंबर हमने वर्ड्स में भी सीखा है, 62,037, 70,206, 30,001, तो यहाँ पे ना ही 1,000 में है, ना ही 100 में, ना ही 10s में, तो ये डायरेक्टली 30,001, ओके। तो इस तरह से हम 5 डिजिट्स वाला नंबर भी लिख सकते है। तो चलो इसके एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे, वीडियो और सच में 20 मिनट की लगभग हो ही गई है, तो बस यही पे ख़त्म करते हैं आज की ये वीडियो। बचा हुआ पार्ट जो है हम सेकंड पार्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, और हाँ हमारे हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी दिया है, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल और हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर ज्वाइन करना। आपके लिए हमारी 5 हिंदी कहानियों की एक PDF वाली बुक आपको भेज दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हंसो खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ, बाय।